अंडरग्राउंड गार्ड्स रेडी फॉर अटैक। अपने भड़वों से कह दो कि हथियार फेंक दे, जरा भी हरकत की तो छितड़े उड़ा दूंगा। हथियार फेंक दो। हम तो समझे थे कि तुम जंग बाजों की तरह जंग लड़ोगे, लेकिन तुम तो एक घटिया किस्म के भगौड़े प्यादे निकले, अधूरे में ही हथियार डाल दिए। प्रलयनाथ कभी कोई जंग अधूरी नहीं लड़ता। ब्रिगेडियर देखना चाहते हो तो देखो। देखा वागले, अब हथियार नीचे डालने की बारी तुम्हारी है। डाल दो हथियार। ब्रिगेडियर हथियार नीचे डाल दो। बगले साहब, यही है मेरे पिताजी का कातिल, इसी ने मेरे पिताजी का खून किया, यही है कातिल। बगले साहब मत छोड़ना इसे। हाँ हाँ, मैं हूं तेरे पिता का कातिल, और आज तुम सबका कत्ल भी मेरे हाथों से ही होगा। बगले, तुम्हारी गर्मी को ठंडा करने का सामान भी मैं साथ लाया हूं, वो देखो। खबरदार, अपनी जगह से हिलने की कोशिश की, एक ही बटन दबाऊंगा सबको राख कर दूंगा। अगर देखना चाहते हो तो ये देखो। देखा ब्रिगेडियर, मेरी जंग की शुरुआत और इसकी इंतिया होगी तुम्हारी बर्बादी और हिंदुस्तान का खात्मा। हिंदुस्तान का खात्मा? हिंदुस्तान का खात्मा तो सदियों से कोई नहीं कर सका। वो तो एक ख्वाब ही रहा जो ना कभी पूरा हुआ था और ना कभी होगा। रहा हमें मारने की बात, तो फिर हिंदुस्तान में शेर बचे ही कितने हैं, उन्हें तो हुकूमत भी मारने की इजाजत नहीं देती। और फिर तुम जैसे गेंडे की शक्ल की औकात ही क्या? मेरी औकात का पता तो तुम्हें आज ही चलेगा ब्रिगेडियर। मैं भी देखता हूं इन शेर के जबड़ों में कितने दांत हैं। नमस्कार शिवाजी राव वागले। आओ आओ हीड़े की औलाद, तेरी कमी थी। जब तक हमारे देश के हिस्से में तेरे जैसे मंत्री आएंगे ना, हमारे देश का इसी तरह कल्याण होता रहेगा। नमस्ते। वाह प्रलयनाथ जी वाह, क्या खूब मिलाई है इन दो देशभक्तों की जोड़ी, जो आज देश के नाम पर एक साथ शहीद हो जाएंगे। कई शहीद होते आए हैं,
और कई शहीद होते रहेंगे अपनी धरती मां को बचाने के लिए, लेकिन तुम जैसे लोग जो अपने आप को ही नहीं अपनी मां को भी दौलत की खातिर बेचते आए हैं, और उनका अंजाम एक गुमनाम लाश की तरह होगा जिसे गिद्ध और चीले नोच नोच कर खा जाएंगे। नोच नोच कर तो हमारे आदमी तुम्हें खाएंगे। मैंने फैसला किया है, आज 15 अगस्त के दिन मैं इस देश को बर्बाद कर दूंगा। आज वो दिन हमारे और तुम्हारे सामने है। ध्वजारोहण को अब सिर्फ 24 मिनट बाकी है, और 25वें मिनट में क्या होगा वो तुम सब अपनी आंखों से देखना। प्रलय वन आउट, रेडी फॉर टारगेट। देखा ब्रिगेडियर, ये है मेरी जंग की शुरुआत। अब तुम सबके सामने ये मेरे तीनों मिसाइल्स ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ कमांड को खत्म करेंगे, और हिंदुस्तान पर विदेशी हुकूमत का झंडा लहराएगा और इस देश की बर्बादी तुम सब अपनी आंखों से देखोगे। ये देखो, बारूद के ढेर पर और पी रहे हो पाइप, तुम्हारे जलवे में कोई कमी नहीं आई ब्रिगेडियर। तुम दोनों में से कोई भी अपनी जगह से हिला तो दोनों कैबिन रिमोट कंट्रोल से उड़ा दूंगा। खबरदार, हिलो नहीं, भूल कर रख दूंगा। ये तो हमारे एक छोटे से पीने वाले पाइप का कमाल था।
अगर कहीं भूले से हमारे इस रुमाल को हाथ लगा बैठते तो जलकर राख हो जाते गेंडा स्वामी। जलकर राख कौन होगा, इस बात का पता तुम्हें अभी चल जाएगा ब्रिगेडियर। प्रलय वन स्टार्ट। कोशिश कर रहा हूं लेकिन पता नहीं क्यों एक भी मिसाइल टेक ऑफ नहीं हो रहा। गार्ड्स, इसका टेक ऑफ कर दो। हमारा वो पाइप डायनामाइट से भरा हुआ था, हम जानते थे कि तुम कभी ना कभी हमारे हाथ से छीन कर उसे फेंकोगे। उसी के धुएं की आग लेकर हमने तुम्हारे सब मिसाइल के फ्यूज कंडक्टर निकाल लिए हैं गेंडा स्वामी। फ्यूज कंडक्टर, अब तुम्हारे मिसाइल में सिर्फ धुआं रह गया और कुछ भी नहीं। बाकी बचे तुम गेंडा स्वामी, उसे तो हम निपट लेंगे। भून डालो इसे। शिवाजीराव बागले, मराठा मरता है या मारता है। याद है मैंने तुझे एक दिन कहा था यही 1500 की नौकरी करने वाला एक दिन तुझे 150 का कफन पहनाएगा। भाग रहे हो जानी? प्रधानमंत्री का ख्वाब देखने वाले मंत्री, ब्रिगेडियर का सलाम नहीं लोगे? नहीं नहीं, मुझे मत मारो। तुम जैसा गद्दार और कहता है मुझे। Come here!